हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पूरे होल को समान हिस्सों इक्वल पार्ट्स में बांटना और उसे भिन्न फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं इसके कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत धारणाओं के बारे में जानेंगे। एक दिन बब्बन और लोमड़ी जंगल में खो गए। वे काफी भटक चुके थे लेकिन उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला। वे दोनों थक कर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। तभी उन्हें वहां एक रोटी मिली। दोनों बहुत खुश हो गए। अब दोनों ने रोटी को आधा आधा हाफ बांटने का फैसला किया। लोमड़ी ने रोटी को इस तरह से दो हिस्सों में तोड़ा और एक हिस्सा बब्बन को दे दिया। क्या आप बता सकते हैं कि लोमड़ी ने बब्बन को सच में रोटी का आधा हिस्सा हाफ दिया? बिल्कुल ठीक, लोमड़ी ने बब्बन को आधा हिस्सा हाफ नहीं दिया था। लोमड़ी ने रोटी को दो समान भागों इक्वल पार्ट्स में नहीं बांटा, इसलिए बब्बन को मिला हिस्सा रोटी का आधा हिस्सा हाफ नहीं था। बच्चों, किसी भी वस्तु या आकार को यदि असमान हिस्सों में बांटा गया हो तो हम उसे भिन्न फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं। भिन्न फ्रैक्शन केवल समान भागों से ही बनते हैं। लोमड़ी ने बड़ी चतुराई से रोटी का बड़ा हिस्सा खा लिया। अब उन्हें रास्ता ढूंढते ढूंढते एक इस तरह के आयताकार का केक मिला। केक काफी छोटा था। बब्बन समझ गया था कि लोमड़ी ने रोटी के असमान हिस्से किए थे, इसलिए इस बार उसने लोमड़ी से कहा कि उसे केक के समान हिस्से बनाने होंगे। लोमड़ी मान गई। लोमड़ी ने इस बार केक को इस तरह से तीन समान हिस्सों में बांटा। लोमड़ी ने बब्बन से कहा कि वो केक का दो तिहाई टू थर्ड हिस्सा खाएगी और बब्बन केक का एक तिहाई वन थर्ड हिस्सा खाएगा। जब बब्बन समझ नहीं पाया तो लोमड़ी ने उसे इस तरह से भिन्न के रूप में लिख कर बताया। बच्चों, लोमड़ी ने केक को तीन बराबर हिस्सों में तो बांटा है, लेकिन क्या उन्हें बराबर केक मिल रहा है? लोमड़ी एक बार फिर बब्बन को बेवकूफ बना रही थी। लोमड़ी ने केक तीन बराबर हिस्सों में तो बांटा है, लेकिन बब्बन को सिर्फ एक हिस्सा मिला है, जबकि लोमड़ी को दो हिस्से मिले हैं, इसलिए लोमड़ी को बब्बन से ज्यादा केक मिला है। लोमड़ी ने तुरंत दो तिहाई केक खा लिया। बब्बन समझ गया था कि लोमड़ी ने एक बार फिर उसे बेवकूफ बनाया था। अब चलते चलते वे एक दलदल के पास पहुंच गए। बब्बन झट से उछलकर उसके ऊपर लगी बेलों पर लटक लटक कर दलदल की दूसरी ओर पहुंच गया। जब लोमड़ी ने उसे मदद के लिए पुकार दी तो बब्बन ने उसे कहा कि वो जब 2/0 का उत्तर ढूंढ लेगी तब वो उसकी मदद करने आ जाएगा। ये कहकर बब्बन वहां से चला गया। बच्चों, क्या किसी भी वस्तु को हम शून्य हिस्सों में बांट सकते हैं? नहीं। अगर कोई वस्तु है तो उसका कम से कम एक हिस्सा तो होगा, क्योंकि वस्तु का पूरा होल एक हिस्से के बराबर होता है। जैसे अगर हमारे पास ये केक है तो इसे हम 1/1 इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब ये पूरा केक एक हिस्सा है और हम उस पूरे हिस्से को ले रहे हैं, और शून्य हिस्सों का मतलब है कोई भी हिस्सा नहीं है। और जब कोई हिस्सा है ही नहीं तो हम दो भाग कैसे ले सकते हैं? लोमड़ी की चालाकी आखिर उसे भारी पड़ ही गई। बच्चों, इस पाठ में हमने पूरे होल को समान हिस्सों इक्वल पार्ट्स में बांटना और उसे भिन्न फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं इससे संबंधित कुछ गलत धारणाओं के बारे में जाना।